में जॉब करना शुरू कर दिया जहाँ पे पचास रुपये रोज़ मिलता था एक रिजॉर्ट में मैं प्रोडक्ट कोई बेचने गया वहाँ पे उन्होंने बहुत बुरी तरह से निकाल दिया और बुरी तरह से उन्होंने बाहर भेज दिया तो उस दिन ऐसा एक लाइफ में एक मोड आ गया वहाँ पे मैंने सोचा कि नहीं ये चीज़ जो है मैं नहीं कर सकता एक दो महीने में ही कि उन्होंने एफ़ के बारे में मुझे बता दिया कि आप एफ में लो जो पाँच का पचास हो जाता है पचास को दो हो जाता है दो सौ पाँच भी हो जाता है एक दो दिन में ऐसा बढ़ जाता है जो प्रॉफिट होता है वो कम होता है बट लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा होता है उसकी वजह से जो बैलेंस होता है वो बैलेंस नहीं मेंटेन हो पा रहा था उस डेढ़ महीने में मैंने वो तीन लाख रुपए को साठ लाख रुपए तक बढ़ा है मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडर हूँ हमने सबने बहुत अच्छे से सुना होगा रिलेटिव से दोस्तों से लोगों से अगर तुम पढ़ोगे कोई डिग्री पालोगे तभी तुम लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे या फिर तभी तुमको कुछ अच्छा जॉब मिलेगा बट मैं ये चीज़ नहीं मानता क्योंकि मैंने दसवीं तक पढ़ाई की और पिछले पंद्रह सालों के लाइफ के जो स्ट्रगल से मैंने जो सीखा या फिर जो सक्सेस अगर मुझे कुछ मिला है तो वो मिला है हार्डवर्क से वो मिला है पेशेंस से वो मिला है रियल लाइफ की चीज़ों से सीखने से वो कैसे हुआ हम उसके बारे में बात करेंगे तो आ, बात है 2003 साल की जब मैं दसवीं पास हुआ था तो मेरे पिताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब होती थी और वो कोई जॉब नहीं कर पा रहे थे तो पापा ने ये मुझे बोल दिया था कि बेटा इसके आगे मैं तुमको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा तो घर भी तुमको ही चलाना पड़ेगा घर में भी तुमको फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ेगा और अगर तुमको कोई आगे एजुकेशन करना है उसके लिए भी तुमको खुद से कुछ करना पड़ेगा तो उस समय मैंने सोचा कि फिलहाल तो मुझे कुछ एजुकेशन अगर आगे बढ़ना है आगे करना है तो मुझे पहले दसवीं के आगे कुछ करना पड़ेगा तो उसके लिए मैंने शुरू से न्यूज़पेपर डालना शुरू कर दिया तो वहाँ पे सुबह चार बजे उठ के न्यूज़ पेपर डाल के फिर कॉलेज uh, में एडमिशन लेना था तो उसके लिए मैं फ़ीस इकट्ठा कर रहा था बट जैसे ही न्यूज़पेपर डालना शुरू किया तो uh, काफ़ी हेक्टिक uh, काम होता था बिकॉज़ सुबह सुबह उठ के वहाँ पे जाना और उसके बाद फिर यू नो कॉलेज के लिए अप्लाई करना एडमिशन्स लेना सब कुछ तो वो नहीं हो पा रहा था एजुकेशन में मैं इतना अच्छा नहीं था या फिर पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था तो उसके बाद मैंने सोचा कि पढ़ाई में भी मेरे से आगे नहीं होगी तो मैंने सोचा कि कहीं जॉब कर लो तो एक फैक्ट्री में जॉब करना शुरू कर दिया जहाँ पे पचास रुपये रोज़ मिलता था वो काफ़ी हेवी ड्यूटी काम होता था जहाँ पे हम कॉपर की जो सौ दो सौ की जो कॉयल होती थी तो उसको हम यू नो ठीक करने का काम करते थे वो फैक्ट्री में काम किया तो वहाँ पे भी ये सोचा कि हमने अगर इंग्लिश स्कूल में दसवीं तक पढ़ाई की है तो आगे कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है फैक्ट्री में काम करके तो होगा नहीं फिर मैंने डोर टू डोर -डो मार्केटिंग करना शुरू कर दिया जहाँ पे एवरी डे दस से पंद्रह किलोमीटर हमको चलना पड़ता था और एवरी शॉप या फिर एवरी घर पे जाके उनको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी पड़ती थी तो वहाँ पे काफ़ी लोग कोई गाली देता था कोई हकाल देता था या फिर कोई आ, कोई प्रोडक्ट खरीद भी लेता था तो उसके लिए दिन में एवरीडे कमीशन मिलता था जो भी प्रोडक्ट हम बेचे उसके ऊपर कोई परसेंटेज में कमीशन मिलता था तो जब ये करना शुरू कर दिया तो एजुकेशन से सारा आ, हट गया कि यू नो एजुकेशन तो नहीं हो सकता बिकॉज़ एक होता है ना कि आदत लग जाती है पैसों की कि पैसे कमाना ही आ, एक गोल बन जाता है तो वहां से जब शुरू किया तो फिर डोर टू डोर मार्केटिंग में जब रिजेक्शन मिलने लगा और उसके बाद उसको फाइटबैक कैसे करना है वो धीरे धीरे मैं सीखने लग गया कि एवरी डे सौ दो सौ लोगों से बात करके उनसे रिजेक्शन लेना कुछ लोग अच्छे मिलते थे कुछ लोग आ, नहीं मिलते थे तो जब वो सारी चीज़ें होने लगी तब फिर उस चीज़ में इंटरेस्ट भी आने लगा कि हाँ ये जो चीज़ है इसको हम कर सकते हैं या फिर यू नो उसकी आदत हो गई थी कि पैसे भी मिलने अच्छे लग गए थे तो ये एक साल करने के बाद वो कंपनी ने आ, मुझे भेजा गोवा में गोवा पे वहाँ पे भी मैं सेम ही काम करता था जहाँ पे मैं डोर टू -डो डोर मार्केटिंग करता था और प्रोडक्ट बेचता था बट वो टाइम पे वापस पापा की तबीयत काफ़ी ख़राब होती थी और मेंटली भी बहुत प्रेशर हो आ, होता था बिकॉज कभी कमीशन मिलता था कभी नहीं मिलता था तो एक दिन ऐसा आ गया वो टाइम पर कि गोवा में मैं जब था तो एक रिज़ॉर्ट में मैं प्रोडक्ट कोई बेचने गया वहाँ पे उन्होंने बहुत बुरी तरह से हकाल दिया और बुरी तरह से उन्होंने बाहर भेज दिया तो उस दिन ऐसा एक लाइफ में एक मोड आ गया वहाँ पे मैंने सोचा कि नहीं ये चीज़ जो है मैं नहीं कर सकता या फिर इससे कोई आगे बढ़ना पड़ेगा या फिर कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिससे लाइफ में थोड़ा अच्छे से कमा पाए और इतना स्ट्रेसफुल काम ना हो तो उस दिन जब मुझे वो होटल से हका लिया था तो उस दिन मेरे जेब में सिर्फ पाँच रुपये थे उस दिन मुझे कोई कमीशन मिला नहीं था और बस चाय और पानी सॉरी बिस्कुट और पानी उसके साथ मैंने अपना उस दिन का गुजारा किया और उस दिन सोचा कि नहीं मेरे को कुछ लाइफ में कुछ अलग करना पड़ेगा ऐसे चल के नहीं चलेगा तो उसके बाद मैंने नासिक वापस आ गया मेरे होम टाउन वहाँ पे मेरे अंकल ने मुझे बताया कि ये कॉल सेंटर का कोई जॉब है जहाँ पे वो लोग आपको इंग्लिश में एक्सेंट वॉइस एंड एक्सेंट में बात करना आपको सिखाते हैं और उसके बाद आपको अच्छा जॉब भी मिलता है तो मैंने वो ज्वाइन किया मेरे अंकल ने मुझे दो हज़ार रुपये दिए मुझे याद है दो हज़ार पाँच की बात है उन्होंने वो पैसे दिए और मैंने वो कोर्स ज्वाइन किया वो कोर्स ज्वाइन करने के बाद लाइफ में एक कुछ नया गोल मिल गया एक नया टर्न मिल गया जहाँ पर मुझे छः सात हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी एक एसी ऑफिस में बैठ के काम करने को मिलता था पिक एंड ड्रॉप मिलता था तो फिर वो जगह ऐसा लगा कि हाँ लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है या फिर ये काम है जो मैं अच्छे से कर पाऊँगा या फिर इसमें कुछ करियर बना पाऊंगा तो वहाँ से मैंने शुरुआत की दो के बाद और बीपीओ में कॉल सेंटर्स में मैं जॉब करना शुरू कर दिया तो एक अच्छा पॉइंट ये था कि लास्ट टाइम से जो मैं डोर टू डोर मार्केटिंग करता था वो डोर टू डोर मार्केटिंग का एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पे भी काम आया क्यों क्योंकि वहाँ पे जब मैं फेस टू फेस लोगों से बात करता था रिजेक्शन लेता था बहुत हज़ारों लोग ना बोल के जो हमने सीखा तो वही सीख मैंने बी में भी अप्लाई की जहाँ पे हमको ऑनलाइन फ़ोन पे एक कस्टमर से जो फॉरेन में बैठा है उससे बात करके एक प्रोडक्ट बेचना था उसको तो वो एक्सपीरियंस काम आने के बाद ये काम मुझे बहुत अच्छा लगने लगा और इसमें अच्छी तरक्की भी होने लगी जहाँ पर मुझे दस बारह हज़ार कभी कभी पंद्रह सैलरी भी मिलने लगी तो ये करते करते एक अच्छा एक्सपीरियंस आ गया और टाइम आ गया दो तक जहाँ पर मैं वापस नासिक से जॉब करने लग गया कॉल सेंटर में मैंने मुंबई पूना हर जगह काम किया उसके बाद फिर सोचा कि पापा की तबीयत तो खराब ही है और मम्मी भी मम्मी को भी काफ़ी हेल्प की ज़रूरत है बिकॉज़ मम्मी ने भी एक बिजनेस शुरू कर दिया था जो कि हम टिफ़िन वगैरह प्रोवाइड करते थे तो 2008 में जब मैं नासिक आया तो वहाँ से ये सोचा कि ये बिज़नेस तो बहुत अच्छा है इसमें यू नो पैसे भी अच्छे मिलते हैं जो ओनर्स है वो भी अच्छा पैसा बनाते हैं तो हमने भी कोई बिजनेस ऐसा शुरू करना चाहिए जहाँ पे बीपीओ में हम कुछ कर पाए तो 2010 में मैंने सोचा कि मैं कोई बीपीओ का बिज़नेस शुरू करता हूँ जहाँ पे एक छोटा काम हो बट यू नो शुरुआत तो हो जाए तो पार्टनरशिप में मैंने शुरू किया बट उसमें मैं मिजरेबली फ़ेल हो गया बहुत ही बहुत ही बुरी तरह फेल हो गया दो तीन महीनों में ही वो बिजनेस मेरा वाइंड अप हो गया तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ तो वापस मुझे जॉब करना जरूरी था क्यों क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत सेविंग्स हो गई थी 2005 से लेकर 2010 तक वो भी सारी चली गई थी तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे जो गलती हुई या फिर जो जो बिजनेस मैंने शुरू करने की कोशिश की थी इसमें मैं फेल क्यों हुआ या फिर इसके रीजंस क्या थे तब तो फिर मैंने जब वापस जॉब शुरू किया तब तो मुझे पता चला कि यहाँ पे बिज़नेस डेवलपमेंट या फिर कोई क्लाइंट से बात करना ये भी कोई चीज़ होती है और यहाँ से ही पैसा बनेगा जब आदमी हमारे साथ में भरोसे का हो तभी हमारा पैसा बनेगा फिर 2011 से मैंने वापस शुरुआत की फिर मुझे समझा कि बिज़नेस डेवलपमेंट कैसे करना है वहाँ पर मुझे अच्छे क्लाइंट्स मिले और वहाँ से लाइफ चेंज हुई तो दो में जो कंपनी हमने पाँच लोगों से शुरू की थी उसको हम तीन सौ लोगों तक भी लेके गए बट ये जब चल रहा था तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ से स्टॉक मार्केट का क्या रिलेशन या फिर यू नो दस लाख का जो इन्वेस्टमेंट था उससे हम पाँच करोड़ रुपए कैसे बने या फिर स्टॉक मार्केट की जर्नी कैसी थी तो हुआ ऐसा कि जब मैं बीपीओ का, का काम कर रहा था तो 2005 से काम चल रहा था और बीपीओ में नाइट शिफ्ट होती थी तो यू नो रात को कंटिन्यू जगना बारह चौदह घंटा सोलह घंटा काम करना या फिर दो दो तीन तीन दिन तक नहीं सोना ये जो काम चल रहा था उससे ये हुआ कि हेल्थ इश्यूज़ बहुत बहुत ज़्यादा मुझे होने लगे जहाँ पे लंग इन्फेक्शन होता था और बार बार हॉस्पिटलाइजेशन या फिर यू नो बार बार स्टेरॉयड्स वगैरह ये लेने की ज़रूरत पड़ती थी तो वो होने के बाद फिर लाइफ में सोचा कि नहीं हमको कुछ अलग भी करना पड़ेगा या फिर कॉल सेंटर हम लाइफ लॉन्ग नहीं कर पाएंगे बिकॉज एक एज के बाद हम हमारी बॉडी भी हमको बोलती कि नहीं अब ये काम नहीं कर सकते बिकॉज कंटिन्यू uh, जगना पॉसिबल है नहीं तो वहाँ पे फिर मैंने 2014 में जब इलेक्शंस वगैरह होने के बाद जब मार्केट बूम होने लग गया मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर जाने लग गया तब मार्केट के बारे में सुना तो ये ये समझा कि एस में इन्वेस्ट करना अच्छी अच्छी बात है तो 2014 से मैंने एस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और 2015 जब था तब से मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री की तो 2015 में हुआ ऐसा कि जैसे हम सबको ब्रोकर का कॉल आ जाता है कि यू नो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो या फिर ये खरीद लो वो बेच लो तो वैसे मैंने शुरुआत की कि मेरे जो ब्रोकर है उन्होंने मुझे बोला कि हम आपको कुछ स्टॉक्स के टिप्स देंगे आप वो टिप्स के पीछे यू नो पैसे इन्वेस्ट करो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट हो जाएगा तो शुरुआत शुरुआ शुरुआत में जैसे सब लोगों के साथ होता है कि यू नो बिगिनर्स लग जब बोलते हैं हम कि शुरुआत में प्रॉफिट हो गया उसके बाद जो लॉसेस शुरू होते तो वो ख़त्म ही नहीं होते उसमें हुआ ऐसा कि यू नो एक दो महीने में ही कि उन्होंने एफ़ के बारे में मुझे बता दिया कि आप एफ़ में लो जो पाँच का पचास हो जाता है पचास को दो हो जाता है दो सौ का पाँच भी हो जाता है एक दो दिन में ऐसा बढ़ जाता है तो मैंने सोचा यार अगर इतना अच्छा पैसा मिल रहा है तो क्यों ना करें तो मैंने एफ़ भी शुरू कर दिया उन उनके कहने पे वो शुरू करते करते स्टार्ट में दो चार लाख रुपए प्रॉफिट हो गया बट उसके बाद जो लॉसेस हुए तो वो चलते ही रहे चलते ही रहे पहले ही साल में मैंने ऑलरेडी आठ लाख रुपए लॉस कर दिया था बिज़नेस अच्छा चल रहा था इसलिए मैं वो लॉसेस सह पा रहा था बट आफ्टर 2016 हज़ार जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बीपीओ में, में भी काफ़ी चेंजेस किए रूल्स में भी काफ़ी रेगुलेशन में चेंजेस किए तो बिजनेस भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया था फिर वो लॉसेस जब बढ़ने लग गए तो दोनों साइड से हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए फिर लॉसेस भी बढ़ने लग गए और बिजनेस भी अच्छे अच्छी से नहीं चल रहा था तो जब 2016 के बाद आ, मैंने देखा कि मेरे लॉसेस बढ़ रहे थे तो मैंने सोचा कि स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है फिर मैंने जाके टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है वो सीखना शुरू किया वो शुरू करते करते ही फिर भी लॉसेस तो बहुत हो रहे थे लॉसेस इसलिए हो रहे थे क्योंकि वो टाइम पर या फिर वो वक्त पर ये नहीं पता था कि ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है डिसिप्लिन क्या होता है या फिर यू नो कैपिटल प्रोटेक्शन क्या होता है ये सारी चीज़ें कभी सुनी भी नहीं थी या फिर उसके बारे में कोई पता भी नहीं था तो ये करते करते 2019 में ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे मैं खुद डिप्रेशन में चला गया और मैंने सोचा कि यू नो मुझे सुसाइडल थाट भी आने लगे ये सोचा कि अपना इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस है तो यू नो लाइफ में अगर कुछ हो भी जाए तो फैमिली इंश्योरेंस पे नो you know, सर्वाइव कर पाएगी ये वक्त आने के बाद फिर सोचा कि नहीं यार ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं होना चाहिए लाइफ में कि हम सुसाइड के बारे में क्यों सोच रहे हैं या फिर डिप्रेशन के बारे में क्यों सोच रहे हैं इसके बारे में नहीं सोचना जरूरी फिर 2019 में वापस एक अच्छे डिटर्मिनेशन के साथ ये सोचा कि नहीं स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बिकॉज ये दिख रहा था कि प्रॉफिट होता है बट जब लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा होता है जो प्रॉफिट होता है वो कम होता है बट लॉस होता है तो बहुत ज़्यादा होता है उसकी वजह से जो बैलेंस होता है वो बैलेंस नहीं मेंटेन हो पा रहा था तो 2020 में वापस उसके बारे में जब सीखा तो जब मुझे मेंटर्स मिले जो एक्चुअल प्रॉफिट कर रहे थे जब वो मिले जब उनसे मैंने सीखा कि ये रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और ये मार्केट बिहेवियर कैसे जानना है मार्केट कैसे बिहेव करता है उसको कैसे जानना है और उसके बारे में सीखने के बाद फिर हमको क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं सीखने लग गया फिर 2020 से जो धीरे धीरे एक कंसिस्टेंसी शुरू हुई जहाँ पे मैं पाँच दस हज़ार रुपये दिन के बना पा रहा था बट मंथ ऑन मंथ में भी उतना नहीं हो रहा था 25 पचास हज़ार ही हो पा रहे थे तो वहाँ पे 2020 में ऐसा समझा कि एक रिस्क मैनेजमेंट एक प्रॉपर कैपिटल एलोकेशन ये सारी चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है फिर जब मैंने ये सोचा कि मुझे अपना बी बिजनेस मुझे छोड़ना है और मुझे सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही आना है तब मैंने वापस शुरुआत की तीन लाख रुपए से यह बात है सितंबर 2020 में जहाँ पे मैंने तीन लाख रुपए से वापस शुरुआत की जो कि मेरा पाँच साल का एक्सपीरियंस सारा था वो मैंने उसमें डाल के फिर अक्टूबर 2020 जो डेढ़ महीने का टाइम है उस डेढ़ महीने में मैंने वो तीन लाख रुपये को साठ लाख रुपये तक बना लिया ये कब हुआ बिकॉज पाँच साल का जो भी पढ़ाई मैंने की थी जो भी लॉसेस के थ्रू गया था जो भी डिप्रेशन थ्रू गया था उसके बाद जो डिटर्मिनेशन आया कि नहीं मार्केट में कुछ हो सकता है उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है फिर जब वो साठ लाख रुपए तो हो गए बट इसके बाद आगे अभी ये सोचना था कि ये पैसे तो हमको जाने नहीं देने फिर मैंने डिसाइड किया कि एक अच्छा प्रॉपर मॉडल बनाना बहुत जरूरी मॉडल क्या होता है कि समझो अभी साठ लाख रुपए तो बन गए बट सारे के सारे साठ लाख रुपए वो इन्वेस्ट नहीं करने या फिर वो ट्रेडिंग में नहीं डालने हैं उसमें से फिर मैंने ये सोचा कि मैं सिर्फ दस लाख रुपए से शुरुआत करूंगा वो साठ लाख रुपए जो है वो ट्रेडिंग कैपिटल रहेगा वो डिप्लॉयड कैपिटल नहीं रहेगा डिप्लॉयड कैपिटल का मतलब क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए और अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए क्यों क्योंकि क्या होता है हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हम हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे होती है तो हम स्टेबल नहीं रह पाते तो इसीलिए मैंने सोचा कि जो भी होगा ये दस लाख में होगा अगर प्रॉफिट भी होगा तो दस लाख में होगा लॉस भी होगा तो ये दस लाख में ही होगा कि अगर कोई दिन गलत आ जाए तो मैं मार मेरा पूरा कैपिटल जो पहले मैंने खो दिया था जो 2015 से लेकर 2019 तक मैं 40 लाख रुपए लॉस कर चुका था तो वो कैपिटल मुझे वापस मार्केट को नहीं देना है तो ये सोच से जब मैंने शुरू किया कि मैं वापस 10 लाख से ही शुरू करूं और वो दस लाख से प्रॉफिट से धीरे धीरे मैं उसको गेन कर पाऊँ तो मैंने ऐसा मॉडल बनाया कि जो डिप्लॉयड कैपिटल है वो दस लाख ही रहेगा ओके जब तक वो दस लाख का पांच लाख नहीं हो जाता या फिर तीन लाख नहीं हो जाता तब तक मैं वापस मेरे अकाउंट से कोई कैपिटल मैं ऐड करूंगा नहीं इससे मुझे बेनिफिट ये हुआ कि जिस दिन मेरे पास कम कैपिटल है तो मेरा लॉस भी अगर कम होता था या फिर मैं वापस मेरे ड्राइंग बोर्ड पे जाके ये देखता था कि अगर मेरे लॉसेस हुए तो उसकी वजह क्या थी और अगर मार्केट में नहीं समझ पा रहा हूं तो मुझे कहीं रुकना भी जरूरी है तो ये जब मैंने शुरू किया 2020 अक्टूबर से 10 लाख रुपए के, वो 10 लाख रुपए बन गए पांच करोड़ अगले ढाई साल में ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो रिस्क मैनेजमेंट या फिर जो डिसिप्लिन फॉलो किया क्या डिसिप्लिन था कि जब 10 लाख रुपए समझो है कैपिटल उसके बाद एक लाख रुपए या फिर जो भी प्रॉफिट आ जाए वो प्रॉफिट उसी दिन पे विड्रॉ करना है तो उससे क्या होता था कि कैपिटल दस लाख से ऊपर बढ़ता भी नहीं था और नीचे ज्यादा घटता भी नहीं था तो जब जो प्रॉफिट होता था वो एक इंश्योरेंस की तरह हो जाता था जा, आगे जाके जो अपने, अपने को अगर कोई लॉसेस आ जाए तो वो हेल्प कर पाए तो ये जब मैंने फॉर्मूला वापस वापस वापस, वापस यूज करने लग गया तो उससे क्या हुआ कि एक कंसिस्टेंसी बन गई कंसिस्टेंसी बनने से प्रॉफिट्स अच्छे अच्छे पाइलअप होने लगे जब भी लॉसेस होते थे तो लॉसेस कम होने लगे उसमें और एक ये मैंने सोचा कि समझो 20 20 ट्रेडिंग है, तो ट्रेडिंग सेशंस तो सेशंस में मुझे मैक्सिमम अगर लॉस लेना है तो चार या पांच दिन मैं लॉस लूंगा और बाकी के पंद्रह दिन मुझे प्रॉफिटेबल रहना है अगर वो बाकी के पंद्रह दिन प्रॉफिटेबल भी रहना है तो वो पाँच दिन दिनों से वो प्रॉफिट कहीं गुना ज्यादा होना चाहिए सो दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया पहले भी इस बारे में बात की कि सिर्फ़ एजुकेशन डिग्री या फिर कोई किताबों से अगर हम पढ़ के सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे जैसे कि मेरे कहानी से भी आप रिलेट कर पाएंगे कि हमको सिर्फ एजुकेशन से नहीं हेल्प होगी हमको रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा हम जब हार जाते हैं हम जब थक जाते हैं या फिर हमारे लाइफ में कोई बुरा फेज़ आता है तो उसको ओवरकम करके या फिर उसको उससे सीख के उससे ये समझ के कि अगर ये चीज़ को हमको हटाना है तो इससे अच्छी चीज़ कैसे कर पाएंगे या फिर समझो मैंने सेल्स वाला जो जॉब किया वहाँ पे मैंने कम्युनिकेशन स्किल जो सीखी या फिर बीपीओ में कहा काम किया जहाँ पे सेल्स करना सीखा या फिर स्टॉक मार्केट में जब एंट्री की तो मार्केट के बारे में बिहेवियर कैसा मैंने सोचा या फिर बिहेवियर कैसे आ, कैप्चर किया तो ये सारी चीज़ें जब हम सीखेंगे कोई भी बिज़नेस बुरा या अच्छा नहीं होता हम उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं या फिर हम उसको किस तरह से देखते हैं वहीं पे हमारा सक्सेस या फिर फेलियर होता है तो अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम हमारे रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीखे जो हम चीज़ों से जा रहे हैं जो अगर कोई बुरे दौर से भी जा रहा है तो ये ये समझना ज़रूरी है कि इस चीज़ के लिए सोल्यूशन क्या है हम अगर प्रॉब्लम्स के बारे में ही बात करते रहेंगे तो हम सोल्यूशन भूल जाएंगे तो हमको सोल्यूशन के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी और वहाँ पे ही हमारा सक्सेस का मंत्र छुपा हुआ